कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम जमीन के सौदे के पैसे देने गए एक दलाल के साथ जमीन मालिक ने मारपीट कर 35 लाख नकद और 15 लाख के चेक छीनने का मामला सामने आया है। घायल दलाल को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहीं घायल की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय युवक हेमराज पुत्र बजरंग लाल जाति माली ने बताया कि पूर्व वार्ड पार्षद गोविंद सहित हम चार लोग जमीन मालिक को पैसे देने माथना बाईपास जमीन मालिक के घर गए थे। इस दौरान जमीन मालिक ने राकेश और उसके पिता लटूर ने मारपीट कर 35 लाख नकद और 15 लाख का चेक छीन कर मारपीट कर घायल कर दिया। कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि जमीन को लेकर मारपीट और पैसे छीनने का मामला हेमराज माली ने राकेश और उसके पिता लटूर के खिलाफ दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम पेमेंट देने गए थे, पेमेंट देने के बावजूद हमारा पेमेंट छीन लिया। अच्छा, पेमेंट छीनने के बाद में मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। पीछे से मेरे वार किया राकेश ने और आगे से उसके पिताजी ने, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो मेरे लड़की दी। अच्छा। और फिर मैं नीचे गिर गया और नीचे गिरने के उपरांत मेरे पड़े पड़े के पैरों में लट दिए और सिर में लट दिए। अच्छा। ये बात है। कितना पैसा था आपके पास? 35 लाख रुपए केस थे और 15 लाख के चेक थे। अच्छा, ये बात। कहाँ पर गए थे देने? ये मातना बाईपास मुर्गी फार्म के पीछे। तो किस चीज का पैसा था ये आपका? जमीन का। अच्छा, जमीन ली होगी आपने? जमीन गोविंद मेंबर साहब ने ली थी। अच्छा। मैंने दलाली के तौर पे उनको सौदा करवाया था। अच्छा। 25 लाख रुपए हमने उनको साई पेटे दिए थे और 50 लाख रुपए हम, मतलब 35 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए के चेक देने गए थे। अच्छा। ये बात है। तो कब से चल रहा था सौदा जमीन का? ये सौदा चल रहा था साहब, 1 अप्रैल को सौदा हुआ था। क्या पहले साई कितने महीने पहले दी थी? साई ये अप्रैल में दी थी। साई अप्रैल में दी थी। तो धोखे से किया वार क्या? हाँ, पीछे से धोखे से वार किया।